सो गाइस मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कोई स्कूटी परचेज करने का तो ये वीडियो हो सकती है बिल्कुल आपके लिए। तो अभी मैं हूँ यामाहा के शोरूम पे, आप पीछे देख सकते हो यामाहा की न्यू लॉन्च फसिनो है यहाँ पे स्कूटी रेड कलर में, एंड काफ़ी सारे कलर अवेलेबल है आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक मैट पिंक है, ब्लू है वगैरह, काफ़ी सारे कलर्स हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड मैं बताता हूँ स्कूटी के सारे स्पेसिफिकेशन, एंड पहले इन्जॉय कर लीजिए आप स्कूटी के बी रोल्स। तो गाइज़ ये है यामाहा की फसिनो रेड कलर में, बिल्कुल फरारी वाला रेड कलर है। सो आप देख सकते हैं लुक कैसा आ रहा है। इस बार टोटली जो है लुक चेंज कर दिया है प्रीवियस वाले से। तो फर्स्ट ग्लिम्स जो आपको देखने को मिलेगा वो है इसका हेडलैम्प। हेडलैम्प काफ़ी स्लीक एंड स्टाइलिश डिज़ाइन में दिया गया है। देन फ्रंट में काफ़ी कुछ चेंजेस है। अब सीधा आते हैं बैक साइड पर। सो बैक साइड का लुक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक है। अभी तक आई थिंक ऐसा लुक किसी भी स्कूटी ने लॉन्च नहीं किया होगा। तो इसमें जो है टेल लाइट एंड इंडिकेटर पूरा वन सेट में आता है, जो कि काफ़ी यूनिक से इसका लुक देता है। देन आते हैं आप इसके मेन यूएसपी पे। सबसे पहले है एलॉय व्हील्स। सो आप यहाँ देख सकते हो ये जो है एलॉय व्हील्स के साथ आते हैं। फ्रंट और बैक आपको दोनों में जो है एलॉय व्हील देखने को मिलता है। को फ्रंट साइड में जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, एंड बैक साइड पे जो है आपको 110 नंबर का टायर देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक शायद किसी स्कूटी में नहीं आता। आप यहाँ से देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टायर दे रखा है, जो कि अच्छी खासी ग्रिप बनाएगा रोड पर। देन आते हैं इसकी चाबी की तरफ। तो आप देख सकते हो इसमें जो यहीं से आपका इग्निशन ऑन ऑफ होगा, प्लस यहीं से जो आपकी सीट ओपन होने वाली है। तो आप बूट स्पेस देख सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस है, एंड फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 5.2 लीटर। एंड जो इसका मेन यूएसपी है वो है कि ये एफआई है, मींस फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा एक हैंगर जिसपे आप हेलमेट या आपने कुछ भी सब्जी वगैरह ला रहे हैं तो वो हैंग कर सकते हैं। तो गाइस स्कूटी में जो है एक यूनिक फीचर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको स्विच दिख रहा है, ये किल स्विच नहीं है। ये एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं एंड आपने इसको ऑफ करके रखा, तो आप जैसे ही स्पीड में आने के बाद एकदम से ट्रैफिक में रुकेंगे तो इंजन जो है कुछ ही सेकंड्स, अप्रॉक्स 10 सेकंड में अपने आप बंद हो जाएगा। ये एग्जैक्टली किल स्विच नहीं है। एंड अगर आप चाहते हैं छोटा मेट्रो कोई रेड लाइट है वहाँ, आप चाहते हैं कि बाइक बंद ना हो, तो आप इसको इस साइड में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बाइक जो है उस टाइम पर बंद नहीं होगी। सो गाइस ये है पुरानी वाली फसिनो, आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, एंड ये है नई वाली फसिनो। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रोम का यूज़ किया गया है, एंड आप लुक देख सकते हो। सो एक बार जो है आप साइड बाय साइड कंपैरिजन भी देख लो। ये है फ्रंट बॉडी, एंड ये है बैक साइड स्कूटी का। तो नई वाली स्कूटी में बैक साइड जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है, एंड ये है पुरानी वाली BS4 वर्जन। तो ये है BS4 का साइड बॉडी, एंड ये है BS6 की साइड बॉडी। तो एंड ग्रैब रेल्स आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। सो ये BS4 में एक बार इसका जो है सेल्फ सुन लेते हैं। एंड अब आते हैं BS6 मॉडल FI वाली यामाहा फसिनो। तो इसका सेल्फ में जो है कुछ यूनिक है। तो
तो एक बार इसका सेल्फ देखना, तो आपने नोटिस किया होगा बहुत ही साइलेंट इसका सेल्फ है, बिल्कुल ना के बराबर जो इसका सेल्फ मोटर जो है वो नॉइस करता है। सो इसका इतना साइलेंट होने का रीज़न है, इसमें SMG टेक्नोलॉजी आती है जो कि इसको इतना साइलेंट करती है। सो जो आपका BS4 वर्जन आता है उसमें फ्यूल पंप नहीं आता, FI नहीं है इसमें, ये जो है नॉर्मल कार्बोरेटर वाली होती है वो है। एंड जो न्यू लॉन्च है BS6, ये FI वर्जन है, फ्यूल इंजेक्टेड, इसमें फ्यूल पंप होता है। तो अगर आपने ठंड में स्कूटी खड़ी करी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंगल सेल्फ में जो आपका स्कूटी स्टार्ट होने वाला है। एंड यहाँ आप देख सकते हो ये BS6 वर्जन है, इसमें कहीं चोक वगैरह कुछ नहीं है। BS4 वर्जन में आप देख सकते हो ये रहा चोक दिया हुआ है जो कि ठंड में स्टार्ट करने के लिए होता है। तो BS4 वर्जन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। डिजिटल इसमें कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए सारा जो है। सो ये जो है पूरा एनालॉग मीटर है, एंड सेम BS6 में भी जो है एनालॉग मीटर है। डिज़ाइन जो है थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें, वो चाबी ऑन करने पे जो आप देख सकते हैं लाइट्स कुछ। मिरर जो है BS4 BS6 में ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन दिया गया है, बैक साइड से कुछ इस तरीके का लुक आता है। एंड वहीं अगर सामने की तरफ से भी देखें तो शीशों का जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट सेम दिया गया है BS4 BS6 में। BS4 में जो आपको पार्किंग बल्ब इस तरफ देखने को मिलेगा सिंगल बल्ब के साथ, एंड वहीं BS6 में जो आपको दो मिलेंगे बल्ब, दो बल्ब मिलेंगे दोनों सेपरेट साइड में है। हेडलाइट की तरफ जो है कोई एक्स्ट्रा पार्किंग बल्ब नहीं है, नॉर्मल हेडलाइट है आपका। सो आप टेल सेक्शन देख सकते हैं दोनों का। सो गाइज ये था यामा फसिनो BS6 मॉडल का रिव्यू। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग दिल्ली से हैं एंड डिसाइड कर रहे हैं कि स्कूटी लेने का, तो आप ज़रूर से आना सहानी मोटर्स महावीर एन्क्लेव पालम पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वहीं BS6 में जो आपको दो मिलेंगे बल्ब, अगर आप भी स्कूटी लेने का सोच रहे हो तो ज़रूर से एक बार फसिनो का टेस्ट ड्राइव लेना। ये है द्वारका या पालम। हाँ।